नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 वर्सेस Oppo R55 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 में 6.31 इंच जबकि Oppo R55 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 में 2.93 इंच जबकि Oppo R55 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 में 0.32 इंच जबकि Oppo R55 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 10 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 में 178.8 ग्राम्स जबकि Oppo R55 में 193 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 10 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 में AMOLED जबकि Oppo R55 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 में 6.43 इंचेस जबकि Oppo R55 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi Note 10 में 1080x2400 और Oppo R55 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 में 83.53% जबकि Oppo R55 में 82.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 10 में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Oppo R55 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo R55 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 10 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo R55 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Oppo R55 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10 में Mali G76 MC4 जबकि Oppo R55 में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 में MediaTek Helio G95 और Oppo R55 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB की RAM मिलती है जबकि Oppo R55 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10 में अप टू 512 GB जबकि Oppo R55 में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 में 3 कलर्स जबकि Oppo R55 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें ओप्पो A55 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 15,490 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 0 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Xiaomi Redmi Note 10 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A55 की तो उसमें 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 10 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है जो कि 12,999 रुपए में मिलता है, दूसरा Vivo V20 है जो कि 22,990 रुपए में मिलता है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है जो कि 12,180 रुपीस में मिलता है, और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।